नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1/11। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गए हैं। कोरोना को लेकर चुनाव की तैयारियां में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन आयोग अब तेजी से काम कर रहा है। HR निवासन ने बताया कि बाहर से प्रवासी मजदूरों का नाम एक विशेष अभियान चलाकर वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। इसके लिए सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इस दौरान क्या कुछ कहा श्रीनिवासन ने, आइए सुनते हैं। हम लोग क्योंकि 6 महीना हम लोग का इलेक्शन पीरियड माना जाता है और हम लोग तैयारियां शुरू कर चुके हैं। जिस तैयारी में अगर चुनाव समय पर होता है तो आपकी कितनी पुख्ता तैयारी है, क्या जानकारी आप देंगे जिससे कि लोगों को ये लगे कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है? देखिए, तैयारियां तो हम लोग का कभी खत्म नहीं होता है। जैसे हम लोग का स्पेशल समरी रिवीजन का फाइनल पब्लिकेशन February 7th को हुआ है, उसके बाद हम लोग का कंटिन्यूस अपडेशन आज भी चल रहा है। अब रह गई बात कि हम लोग जो फॉर्म्स इस बीच में आए हैं, एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, ये सब का डिस्पोजल, ये सब के बारे में ही जो जिला पदाधिकारी लोगों के साथ जो वार्ता हुई उसमें बोला गया है कि जो फॉर्म्स पेंडिंग है उसको आप त्वरित गति से निष्पादन कर दीजिए, ताकि हम लोग इलेक्शन के पहले जो समरी रिविजन होता है तो उसका उसके लिए भी हम लोग रेडी रहे। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है, हम लोगों के पास, हम लोग को 3 स्टेट से EVM और VVPAT प्राप्त करना है, उसके लिए भी तैयारी हम लोग को शुरू हो गया है। हमारे पास पर्याप्त वेयरहाउस भी है। सिर्फ हम लोग को एक कोरोना के चलते लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो रहा था मूवमेंट इन द स्टेट मूवमेंट्स का, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो गया है बहुत हद तक। तो हम लोग का मशीन आ जाएगा, उसके बाद हम लोग फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू कर देंगे। ये सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हम लोग इमीडिएट नहीं लेकिन हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग मल्टीमीडिया, ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी इन हाउस डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग का, हमारा जो मतदाता है उन लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए भी हम लोग उतना इंतजाम कर रहे हैं। ये सबका बीच में मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड वचन आयोग ही सक्षम है इसमें उत्तर देने के लिए। लेकिन पोस्टल बैलेट का जहाँ तक सवाल है, पोस्टल बैलेट पहले भी था और अभी भी है। पिछले जो हम लोग का लोकसभा इलेक्शन था उसमें भी पोस्टल बैलेट था, लेकिन उसमें हाफ आपका इलेक्ट्रॉनिकली जाता था, हाफ जो उधर से जो हम लोग को बैलेट प्राप्त होता था वो तो आप लोग को पोस्ट से ही आता था, इसलिए उसको पोस्टल बैलेट बोला गया था। तो जहाँ तक ऑनलाइन या डिजिटल वोटिंग के संबंध में, ये तो भारत निर्वाचन आयोग ने करी, तैयारी पूरी है। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज 1/11 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।